खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। भोपाल उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि विकसित भारत के लिए स्वस्थ भारत मूलभूत कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए समस्त नागरिकों के समग्र विकास के लिए कार्य किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कुशलता, रोजगार, स्वरोजगार के अवसर, सभी क्षेत्रों में जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से सभी नागरिकों को विकास की एक मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सिविल अस्पताल डॉ कैलाशनाथ काटजू भोपाल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयुष्मान पखवाड़े का औपचारिक शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा नरेंद्र शिवाजी पटेल और विधायक भगवान दास सबनानी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक की प्रधानमंत्री चिंता करते हैं। वहीं राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि जब आम आदमियों के बीच से निकला व्यक्ति प्रधानमंत्री बना तो उन्होंने अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति की चिंता की। इसी सोच को परिणाम है कि आम जन को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निरामय के माध्यम से स्वास्थ्य सुरक्षा प्राप्त हुई है। भाई बहने, गणमान्य नागरिकगण, नौजवान साथियों और मीडिया के हमारे बंधु, जैसा कि अभी बताया गया कि कोई सरकार आएगी और गरीबों के इलाज के लिए मुफ्त में कोई योजना लाएगी, ऐसा आमतौर पर दिखाई नहीं देता। हम लोगों को वो दिन याद हैं जब किसी गरीब के घर में कोई बीमार हो जाता था तो उस मोहल्ले के 4 लोग उसको लेके और घर घर में घूमना शुरू कर देते थे और बताते थे कि ये बहुत बीमार है, इसके घर में बिल्कुल भी पैसा नहीं है और 1 लाख रुपए लगने वाला है। तो घर घर में लेके घूमते थे, कोई 1000 रुपये दे देता था, कोई 2000 रुपये, पैसा इकट्ठा होता था। यदि पैसा समय से इकट्ठा हो गया तो उसका इलाज हो पाता था और यदि समय से इकट्ठा नहीं हुआ तो अकाल मौत की गाल में वो बीमार व्यक्ति चला जाता था और वो गरीब परिवार अनाथ हो जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं 3 लाख रुपए का इलाज, 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में गरीब जाता है। हमारे रीवा में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, एंजियोप्लास्टी हो रही है और ऐसे लोगों की हो रही बाईपास सर्जरी हो रही है और पूरे देश में इस प्रकार के इलाज, अकेले मध्य प्रदेश में 22 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज, 45 मतलब कभी कभी तो ऐसा हुआ कि एक परिवार में 2 बार इलाज हुआ साल में, एक बार 2 लाख रुपए का इलाज, एक बार 3 लाख रुपए का इलाज। तो 45 लाख लोगों ने निःशुल्क इलाज प्राप्त किया, 22 लाख परिवार के लोगों ने, और मध्य प्रदेश में 6.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन, ये मीडिया के लोगों के लिए बहुत अच्छा विषय है कि प्रतिदिन आयुष्मान भारत योजना से 6.5 करोड़ रुपए का इलाज इस आयुष्मान भारत योजना से कराया जा रहा है हमारे मध्य प्रदेश में 6.5 करोड़ रुपए का, और अभी तक 7,200 करोड़ रुपए जिसमें 60% केंद्र सरकार ने राशि दी है और 40% राज्य शासन ने राशि दी है। 7,200 करोड़ रुपए का इलाज के अगेंस्ट में गरीबों के भुगतान हुआ है अस्पतालों को, 1,000 से ज़्यादा अस्पतालों को भुगतान हुआ है। स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति आ गई। यदि हमें विकसित भारत बनाना है तो स्वस्थ भारत बनाना पड़ेगा। हमारे देश के आम लोगों को सुरक्षा कवच, स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच प्रदान करना पड़ेगा, क्योंकि हम विकसित भारत का दावा नहीं कर पाएंगे यदि विकसित भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति इलाज के लिए मोहताज हो जाए, पैसा न होने के कारण अपना इलाज न करा पाए, तो वो भारत विकसित भारत नहीं कहलाया जा सकता है। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत बनाने के लिए कई मोर्चों में काम किया है। गरीब के सिर के ऊपर पक्की छत हो, प्रधानमंत्री आवास योजना बना दी, विश्वकर्मा योजना बना दी कि कोई भी हुनरमंद व्यक्ति पूंजी के अभाव में वो अपने व्यापार का विस्तार न कर पाए, इसके लिए विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना बना दी और आयुष्मान भारत योजना बना दी। इस प्रकार से कितनी सारी योजनाएं, मध्य प्रदेश की सरकार ने संबल योजना बना दी, दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाती थी तो भटकता था, दुर्घटना में मृत्यु होगी तो 4 लाख रुपए, बीमारी में मृत्यु होगी तो 2 लाख रुपए, उसके वारिस को तत्काल
उपलब्ध हो जाते हैं, उनके खातों में चला जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र की सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए ऐतिहासिक काम किया है। ये योजना प्रारंभ की कि गरीब परिवारों को 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क दिया जाए। इसके पीछे यदि कोई कारण है तो चम्मच, सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाले नेता जब देश के प्रधानमंत्री बनते रहे तब किसी ने गरीब की सोची नहीं, लेकिन जब एक गरीब माँ का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना तो उसने गरीब माँ की, गरीब परिवार की परेशानियां समझी, चाहे वो उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो। ये चूंकि इनसे गरीब, हमारे जैसे गरीब परिवार से निकला एक नौजवान, एक नवयुवक जब देश की राजनीति में आए तो गांव गरीब किसान की चिंता हुई, चाहे गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे आज भारत वर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में हो, उनके केंद्र बिंदु में यदि कोई है तो गरीब, गरीब और केवल गरीब। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की पहले चिंता की। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं केवल देश में 4 जातियां, गरीब, महिला, युवा और किसान, ये 4 जातियां हैं केवल देश में। इन 4 जातियों की चिंता करके नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए वो अद्भुत किए। गरीबों को ध्यान में रखकर जो योजना योजना बनी कि माता बहनों को धुआं से मुक्ति मिली, जो झोंपड़ी झुग्गी में रहते थे, मैं अपना किस्सा आपको सुनाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के मन की बात चल रही थी, मन के बाद जब कार्यक्रम समाप्त हुआ हम लोगों ने भाषणबाजी की, जब भाषण भी खत्म हो गए तो एक मुसलमान चचा खड़े हो गए हमारी सभा में और हमसे बोले कि आपने भाषण बहुत अच्छे दिए लेकिन आप एक बात कहना भूल गए। अब चूंकि मन की बात थी इसलिए मन की बात में हमने भाषण भी बोल दिए जो मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने विषय उठाए थे, केवल उन्हीं विषय को हमने कहा। तो हमने कहा बताओ चचा क्या हो गया, हमें लगा कि चचा डांटेंगे, कोई गलती हो गई। हमने कहा बताओ चचा क्या हुआ, बोले आपने भाषण बहुत अच्छे दिए लेकिन एक बात नहीं कही। हमने कही क्या नहीं कही बताओ, कि बोले हमारे बच्चे टीन में रहते थे, पन्नी में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण आज पक्के मकान में रहते हैं, आज पक्के मकान में रहते हैं। ये एक सजीव घटना, सच्ची घटना। इसी तरह से आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हमने देखा, ये मेरी बिटिया बैठी है सामने, 3.5 लाख से ज्यादा है उसके इलाज में खर्च हुआ। माता पिता सोच भी नहीं सकते थे कि प्लास्टिक सर्जरी करना, कई बच्चे ऐसे हैं आज भी गांव में ऐसे, माता पिता आर्थिक परिस्थिति की वजह से सोच नहीं पाते, लेकिन उनके गार्जियन के रूप में इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बैठे हैं, तो उनकी चिंता हुई है, हाथ भी सही हुआ है, हार्ट भी सही हुआ है। एक बहन का हाथ सही हो गया और एक भाई का हार्ट हो गया, एक भाई कैंसर से पीड़ित थे वो सही हो गए। ये केवल छोटे से उदाहरण आपके। खबर समय जगत के संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।